मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं और चूंकि आपने आदेश बहुत देर बाद दिया और मेरे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट भी देखने लायक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि रांची के अंदर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उससे 4 लाख रुपए की राशि वसूली गई है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राज्य सरकार के बजट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो सदन कानून बनाता है अध्यक्ष महोदय, उस सदन में बैठे हुए लोग, आप सहित लोग मास्क नहीं पहने। अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था यही है, एक तरफ पुलिस जो है सड़कों पर, एक तरफ पुलिस सड़कों पर लोगों से, गरीब लोगों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और दूसरी तरफ माननीय सदस्य जो कानून बनाते हैं, जो कानून को इम्पावर करते हैं अध्यक्ष महोदय, और वही मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सबको मास्क पहनना है, यही मेरा इस कोरोना काल में मास्क पहनना है। मेरा आग्रह है, मेरा एक मिनट सुने, मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय, एक मैसेज अच्छा जाएगा कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री सहित मास्क नहीं पहना, सबसे दंड वसूला जाए। अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज बाहर अच्छा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे नहीं, स्मरण करा दिए, कोरोना काल है, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे, फिर भानु जी आपका सूचना सुन लेते। बोल रहे थे कि सर, जब ये बात उठी जो कौन कौन सदस्य पहन कर आते हैं नहीं आते हैं, उस पर जुर्माना होना चाहिए, तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है और 26 तारीख से चल रहा था हाउस, रोजाना निकाला जाए, कौन कौन नहीं है, सबका फाइन है, उनका बात पर सबूत देते शुरुआत से, ठीक रहेगा। मान्य सदस्य भानु जी का न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।